दोस्तों भारतीय इतिहास में वीरता और साहस की कहानी तो बहुत है, कुछ की चर्चा तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ इतिहास के पन्नों में ही दबे रह जाते हैं। अगर हम महिला योद्धाओं की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्तान के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन ऐसी बहुत सी महिला योद्धाएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनकी शौर्य गाथाओं से हम अज्ञात हैं। ऐसी एक दिलचस्प कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो दोस्तों, रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की नहीं बल्कि गढ़वाल की हैं, जो उत्तराखंड में आता है। भारत में कई अद्भुत वीरांगना हुई हैं जिन्होंने अपने समय पर ऐसा शौर्य प्रकट किया है कि आज भी इतिहास उनके नाम की गवाही देता है। ऐसी ही वीरांगनाओं में से एक थी गढ़वाल की रानी कर्णावती, जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और बंदी बनाए हुए सैनिकों की नाक काटकर उन्हें दिल्ली वापस भेजा। रानी कर्णावती ने ना तो सिर्फ कुमाऊं बल्कि सिरमौर और तिब्बत से अपने साम्राज्य की रक्षा करी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शक्तिशाली मुगल बादशाह शाहजहां से भी टकराव करके उनके सैनिकों को धूल चटा दी। तो आइए जानते हैं कि कैसे रानी कर्णावती का शाहजहां से टकराव हुआ। दोस्तों, उन दिनों गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, जिसे महिपत सिंह ने श्रीनगर शिफ्ट कर दिया था। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है बल्कि अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रानी कर्णावती महिपत शाह की ही पत्नी थी। महिपत शाह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर और निडर राजा थे। उन्होंने अपने शासन काल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण भी किया। महिपत शाह की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठे, मगर उस समय वो महज 7 साल के ही थे, जिसकी वजह से राज्य का संरक्षण रानी कर्णावती की देखरेख में हुआ। रानी कर्णावती ने ना सिर्फ राज्य का शासन चलाया बल्कि अपने पुत्र पृथ्वी शाह को भी एक महान राजा बनने के लिए सारे संस्कार दिए। रानी कर्णावती ने सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने का फैसला करके यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी रक्षक और प्रशासक हो सकती हैं। वह अपनी वीरता, साहस और आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए जानी जाती थी। गढ़वाल उन दिनों में चांदी, तांबे और सोने की खानों में समृद्ध क्षेत्र था, जिसकी वजह से शाहजहां का ध्यान आकर्षित हुआ। एक बार महिपत शाह ने शाहजहां के निमंत्रण को इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से शाहजहां हमेशा से गढ़वाल के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए इच्छुक था। फिर महिपत शाह के शीघ्र निधन ने इस क्षेत्र पर हमला करने के लिए मुगल सम्राट की इच्छा को और मजबूत कर दिया, जिसके चलते शाहजहां ने गढ़वाल की ओर जनरल नस्बत खान के अधीन लगभग 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। प्रमुख इटालियन लेखक निकोलो मनुची ने मुगलों और रानी के बीच इस युद्ध का विवरण दिया है। ये विवरण बताता है कि रानी ने उन मुगल सैनिकों को पहाड़ियों की एक दूरी तक ही आने के लिए अनुमति दी थी, फिर उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया था जिस रास्ते से वे आए थे। जिस जगह पर रानी ने सैनिकों को रोका उसको लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना अब ना तो पीछे लौट सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी, और मुगल सेना पहाड़ी इलाके से इतनी अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थी, जिसके चलते कुछ समय बाद मुगल सेनाओं के पास खाने की भी कमी पड़ने लगती है और धीरे धीरे वह अपना आत्मविश्वास भी खोने लगते हैं। फिर नस्बत खान रानी कर्णावती को एक शांति संदेश भेजते हैं, जिससे रानी चाहती तो पूरी की पूरी इस मुगल सेना को समाप्त कर सकती थी, परंतु उन्होंने नस्बत खान से कुछ अलग ही मांगा। तो दोस्तों, रानी की शर्त ये थी कि वह पूरी की पूरी मुगल सेना को छोड़ देंगी, लेकिन उसके बदले में उन्हें अपनी नाक काट के वहीं रखकर जाना होगा। अब मुगल सेना के पास अपनी जान बचाने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी नाक को काटना ही सही समझा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नाक काटने जैसी शर्त आखिर क्यों रखी गई। दोस्तों, ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नाक काटने को एक दंड माना जाता है, जैसा कि रामायण में भी लक्ष्मण ने शूर्पनखा की नाक काट दी थी, और अपमान व्यक्त करने के लिए नाक कटाने का उपयोग अभी भी बोलचाल की भाषा में किया जाता है। नकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई रानी कर्णावती की इस घटना के बारे में ना केवल मानुची ने लिखा है बल्कि बर्नियर, टावर्नियर और शाहनवाज खान जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है।
रानी कर्णावती चाहती तो मुगलों की कठपुतली शासक बनने के लिए राजी हो सकती थी, परंतु उन्होंने मुगलों से लड़ने का फैसला किया और वास्तव में उन्होंने अपने राज्य की रक्षा भी करी। वह ना तो केवल एक योद्धा रानी थी बल्कि एक दूरदर्शी भी थी। देहरादून जिले के नेवादा में स्मारकों के निर्माण और राजपुर नहर के निर्माण के लिए उनकी सराहना की जाती है, जो देहरादून की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। रानी कर्णावती ने हर बार अपने साहस का परिचय दिया। ऐसे समय में जब महिलाओं को उनके पति की मृत्यु पर सती करने के लिए कहा जाता था, जब महिलाओं को कमजोर माना जाता था, तब उस वक्त रानी कर्णावती ने मुगलों से अपनी राज्य की रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के इतिहास में दबे गढ़वाल की एक वीरांगना रानी कर्णावती और उनके शौर्य की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम रोज अपने चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।